मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, सबो को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनवाद के रहने वाले एक छोटे से गांव में एक 4 महीने के बच्चे को पित्त की बीमारी है, जिसे बाइलरी अट्रेशिया कहते हैं, और उसका लीवर चेंज करवाना पड़ेगा, बदली करवाना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें 25 लाख रुपए की जरूरत है। वे गरीब फैमिली के लोग हैं, वे उतने पैसे जुटा नहीं सकते, इसलिए वो लोग डोनेशन मांग रहे। प्यारे मसीही भाई बहनों, चलिए हम एक बाइबल वचन को देखते हैं। संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 42, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो। जो कोई आपसे मांगता है, वो कोई विश्वास करके आता है कि हम जो मांगेंगे वो देगा। तो मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, प्रभु कहता है दे दो, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो उधार लेना चाहता है उसे मुँह ना मोड़ो। जो आपसे उधार लेना चाहता है उससे मुँह ना मोड़ो, उससे कभी इनकार ना करो कि नहीं देंगे। आपसे जो कोई भी उधार लेना चाहता है उसे दे दे। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, आज के इस समय इस परिवार के लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस बच्चे को ऑपरेशन कराने के लिए। तो मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, अगर आप लोग उससे जो कुछ भी हो सकता है आप लोग हेल्प करें, इसको डोनेट करें। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आप जितना चाहे उतना डोनेट कर सकते हैं। आपके लिए 1 रुपया भी बहुत है। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो प्रभु आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए उस वीडियो क्लिप को हम आपको दिखाते हैं। मेरे 4 महीने का बच्चा है आरव, और इसे एक पित्त की बीमारी है, बाइलेरी अट्रेशिया, और डॉक्टर बोले हैं लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा, जिसके लिए 25 लाख रुपया खर्च है, और समय 40 दिन का है, जिसमें कि 15 दिन पार हो चुका है और 25 दिन और बचा है, जिसमें से सोशल मीडिया के जरिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, जिंदगी मांगे आरव। तो प्लीज़ आप लोग उसमें जुड़े और सपोर्ट करें, ताकि इस बच्चे की, मेरे बच्चे की जान बच जाए। आइए मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, इस बच्चे के लिए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि याकूब अध्याय 5 पद संख्या 15 में लिखा है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु से उठाकर खड़ा कर देंगे। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप लोग अपनी आंखें को बंद कर लें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हे स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, आपने इस संसार को बनाया, इस संसार में रहने वाले हर एक जीव जंतुओं को बनाया है प्रभु जी, आपने हर एक मनुष्यों को बनाया है पिता परमेश्वर। इस संसार में रहने वाले हर एक चीज़ों पर आपका अधिकार है प्रभु जी। प्रभु जी, आपके ही हाथों में सारे लोगों का जीवन है, सारे लोगों की समस्याओं को प्रभु जी आप ही दूर करते हैं। हे प्रभु जी, आपके ही वश में सारी चीज़ें हैं। हे पिता परमेश्वर, आप सामर्थ्य हैं, आपके वचनों में सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप मुर्दों को जीवित करते हैं। हे प्रभु जी, आपके ही हाथों में सारा कुछ है। हे पिता परमेश्वर, आज के इस समय में प्रभु जी हम उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, उन बच्चे को स्वस्थ कर, क्योंकि प्रभु जी आपके वचनों में लिखा है कि विश्वासपूर्ण प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी जो आप पे विश्वास करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आमीन।